Hey guys, welcome back to my channel after a long time. So I'm thinking of starting a new DevOps series for you all guys. और एक बात मैं बता दूँ, ये जो ट्यूटोरियल होने वाला है ये कम्प्लीटली हिंदी में होने वाला है. और दूसरी बात ये है कि मैं जो बताने वाला हूँ फ्रॉम बेसिक बताने वाला हूँ, तो जिनकी जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिनको डाउट होता है, जिनको ज़रा सी समझ में नहीं आता आखिर हो क्या रहा है, जो जीरो है DevOps में, उनके लिए भी ये ट्यूटोरियल बहुत हेल्प करेगा. और इवन जो एक्सपर्ट हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको भी हेल्प करेगा कहीं हद तक. ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो और मेरा सीरीज़ देख रहे हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप पूरा देखो, वरना ना देखो. आप स्किप कर सकते हो, कोई और वीडियो देख सकते हो. क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं जो भी बताऊँ आप हाफ नॉलेज लो और फिर आपको प्रॉब्लम कर जाए, या आप उसको अप्लाई करो और उसका रिजल्ट निगेटिव है. इसीलिए मैं यही उम्मीद करूँगा कि आप देखोगे तो पूरा वीडियो देखोगे, वरना ना देखो नहीं देखोगे. दूसरी बात है, अगर देख रहे हो तो मेहरबानी कर कर सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और घंटी दबा देना. ऐसे मैं बोलूँगा नहीं, और ऐसे भी ये मेरा प्राइमरी जॉब है नहीं सब यूट्यूब का. ठीक है, तो अगर मैं थोड़ा सा भी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे. और आई होप कि मैं आपको अच्छा आउटपुट दे सकूं और मेरे वीडियो को देख के आप DevOps में जॉब ले सको, क्योंकि DevOps हम लोग सभी जान रहे हैं कि DevOps का भी मार्केट कैसा है. तो बिना टाइम पास किए मैं स्टार्ट करूंगा DevOps को, DevOps के बारे में बताना आपको. तो DevOps अगर मैं करूं तो Dev प्लस Ops. ठीक है, अब दूसरी चीज़ मैं एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं ना आपको थ्योरेटिकल पढ़ाने वाला हूँ, ना मैं आपको अननेसेसरी कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो कि बुक में मिलेगा, जो बहुत लोग बोलते हैं लेकिन होता नहीं है एक्चुअली रियल लाइफ में. ठीक है, जो चीज़ लोग बोलते हैं रियल लाइफ में कभी ऐसा होता नहीं है और इतना ईजी भी नहीं होता है. ठीक है, इसलिए मैं आपको एकदम रियल टाइम बताऊँगा, जो कि आप जाओगे डायरेक्ट यहाँ सीख के तो अपने इंटरव्यूअर को भी बता सकते हो. और दूसरी बात यह है कि इस बेसिस पे तुम अपने कोई भी इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हो. ठीक है, मैं इतने कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक्सपीरियंस हो गई है 5 साल की DevOps में, और मैंने बहुत सारी कंपनी का इंटरव्यू दिया है. मैं फॉर्चुनेटली आज तक मैं किसी में रिजेक्ट हुआ नहीं हूँ, तो मेरे को एक्सपीरियंस है तो मैं आपको बता रहा हूँ. तो बाकी लेना नहीं लेना आपके ऊपर है. ठीक है, तो डेव ऑप्स है क्या? सो पहली बार डेव, ओके, डेव मतलब आप समझ रहे हो डेवलपमेंट. ठीक है, डेवलपमेंट किस चीज़ का? अब किस चीज़ का मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं उनको पता होगा डेवलपमेंट मतलब किस चीज़ का डेवलपमेंट. लेकिन कोई मेरी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का बंदा होगा जो पूरी जिंदगी सर्किट पर है, उसको नहीं पता होगा डेवलपमेंट किस चीज़ को रेफर कर रहा है. ठीक है, तो डेवलपमेंट मतलब एक डेवलपर और एक इंसान जो भी हो उसको तुम डेवलपर बोलो या कोई इंसान बोलो, ह्यूमन बोलो, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर creating any application, right? और वो application कुछ भी हो सकता है. वो application तुम्हारा फ़ोन पे हो सकता है, पेटीएम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, anything, PUBG हो सकता है. जो developer ने कोड लिखा है उस application को develop करने के लिए, ठीक है, वो process को हम डेवलपमेंट करते हैं. तो डेवलपमेंट में रिसोर्स और एप्लीकेशन क्रिएट होता है. अब आ जाता है ऑपरेशंस. ठीक है, नंबर टू हो गया तुम्हारा ऑपरेशंस. ऑपरेशंस क्या होता है? तो सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सोच लेना. सो ऑपरेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू तुम एप्लीकेशन को
रन करते हो, ठीक है, रन करते हो इन द सेंस कि जब डेवलपर डेवलप करता है तो वो इन द फॉर्म ऑफ कोड रहता है। फिर कोड को, अब तुम जब कोई एप्लीकेशन यूज करते हो तो तुमको कोड नहीं दिखता है, ठीक है, वहाँ पे तुमको एप्लीकेशन दिखता है। तो वो कोड को हम लोग कहीं पे होस्ट करते हैं। अब जब होस्ट करते हैं तो मतलब कुछ कि कहाँ पे होस्ट करते हैं, तो वो एक सर्वर होता है। सर्वर किसको कहते हैं, ये भी बड़ी बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एकदम बेसिक लेवल से बताऊँ, कुछ ना आता हो, एकदम जीरो हो गए तो भी सीख जाओ। सर्वर क्या होता है, एक कंप्यूटर, एक वैसा कंप्यूटर जहाँ पे आप कोड डाल दो और वो सिर्फ वो कोड को ही रन करे, ठीक है, और वो कोड रिलेटेड कोई पैकेज और सर्विस रन करे। एक कंप्यूटर होता है तुम्हारा जिसपे तुम सब कुछ रन करते हो, ठीक है, लेकिन वो सर्वर जिसपे तुम कोड रिलेटेड स्टफ ही, तुम्हारे एप्लीकेशन से रिलेटेड स्टफ ही रन कर रहे हो, वो सर्वर, उसको हम एक डेडिकेटेड सर्वर बोलते हैं, ठीक है। दो तरह के सर्वर आते हैं, एक आते हैं विंडोज सर्वर और एक आते हैं लिनक्स सर्वर। लिनक्स सर्वर के पास यूआई नहीं होता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं क्वेश्चन आना चाहिए कि नहीं उबंटू को, उबंटू डेस्कटॉप है उस पर यूआई होता है, तो मैं डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ। लिनक्स में जो लिनक्स सर्वर होता है उसके अंदर यूआई नहीं होता है, उसके अंदर तुमको यूजर इंटरफेस नहीं मिलेगा जहाँ पे तुम इंटरेक्ट कर सको, तुमको एक ब्लैक टर्मिनल मिलेगा, ठीक है। तो अब वो ब्लैक टर्मिनल कैसा होगा, तो वो सर्वर होस्ट होगा तो वो ब्लैक टर्मिनल तुमको ऐसा दिखेगा, ठीक है। उस ब्लैक टर्मिनल पे तुम कुछ कमांड चलाओगे लिनक्स का तो वो वर्क करेगा। तो ये एक सर्वर होगा ऐसा जहाँ पे तुम अपना कोड डालोगे, तो उस कोड डालोगे और फिर उस कोड को तुम होस्ट करोगे थ्रू वेब सर्वर, ठीक है। एक हार्डवेयर सर्वर होता है और एक एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन सर्वर होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है उस कोड को रीड करके यूजर को आउटपुट देने का, ठीक है। तो वो आईओ ऑपरेशन परफॉर्म करता है, मतलब इनपुट आउटपुट रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है, किस पे, हार्ड डिस्क पे, और कोड को रीड करता है और राइट करना होगा तो कहीं हार्ड डिस्क पे या एसएसडी पे राइट करेगा, ठीक है। यहाँ तक पिक्चर क्लियर होना चाहिए तुम्हारा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट पे डालो, ठीक है। तो ऑपरेशन का मतलब क्या हुआ, कोड को ऑपरेशनल बनाना, मतलब वर्किंग स्टेट में लाना। जब कोड को हम वर्किंग स्टेट पे लाते हैं तो उसका एंड रिजल्ट एक एप्लीकेशन का होता है, ठीक है, एक एप्लीकेशन क्रिएट होता है एंड रिजल्ट से। तो जब डेवलपर ने डेवलप कर दिया और उसको तुमने ऑपरेशनल बना दिया, वर्किंग स्टेट में ला दिया, तो वो कम्प्लीटली मिलके होता है डेवऑप्स। अब कहीं जाओगे तो तुम बोले कोई कल्चर होता है, कहीं कस्टम होता है, गूगल पे सर्च करोगे तो बहुत थ्योरेटिकल मिलेगा, वो सब बकवास होता है, वो सब बुक में लिखा रहता है। कंपनी में जाओ तो तुम रहोगे डेवऑप्स, हो सकता है टेस्टिंग भी करना पड़ जाओ, होता है, कुछ भी हो सकता है, और ऐसा कुछ होता नहीं है, जो लिखते हैं वो होता नहीं है। होता एक्चुअली है कि तुमको सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि कुछ भी मिल सकता है डेवऑप्स में। तो डेवऑप्स का मतलब समझ में आ गया एक लाइन में, डेवलपमेंट और ऑपरेशन। सो व्हेन द डेवलपर विल डेवलप अ कोड रिलेटेड टू पर्टिकुलर एप्लीकेशन एंड यू विल मेक इट ऑपरेशनल थ्रू एनी मीन, आई विल टेल यू फर्दर व्हाट सॉर्ट ऑफ मीन्स वी विल यूज टू मेक द कोड ऑपरेशनल। लेकिन जैसे भी तुम ऑपरेशनल बना दिए उसको और दोनों को जोड़ दिए तो हो गया डेवऑप्स। डेवऑप्स क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, डेवलपर ने कोड डेवलप किया फिर उसको ऑपरेशनल बनाया खुद से, तो इसमें टाइम ज़्यादा था। तो एक डेवऑप्स टेक्नोलॉजी को लाया गया जिसके थ्रू सब कुछ ऑटोमेट कर देता है एक बंदा, ठीक है। तो डेवलपर इज ऑनली रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग और राइटिंग द कोड एंड पुशिंग इट टू द ब्रांच। वंस द कोड विल गेट पुश्ड इनटू द ब्रांच और एनी एसवीएम रिपोजिटरी, तो अब रिपोजिटरी क्या होता है वो भी मैं बताऊँगा। मुझे पता है कि जो इनिशियल लेवल पे होंगे उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा हो। तो गिटहब या बिटबकेट, तो मैं इसको लिखूं क्या तो तुमको समझ में आएगा, गिटहब, बिटबकेट, ठीक है, गिटलैब, ये सारे जो तुमको दिख रहे हैं ना,
ये सारे एस वी एन है, क्या है एस वी एन, और एस वी एन तो मतलब ठीक है, इसको बोल सकते हो सोर्स, SORC, सोर्स कोड मैनेजमेंट, ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया, एक तो अजीबो ही प्रॉब्लम इसमें भी है ना। सेलेक्ट करो, इसको डिलीट करो, तो जैसे मैं क्या बता रहा था आपको, गिटहब हुआ ठीक है, उसी तरह होता है ये सब, क्या होता है SCM, ठीक है, मतलब क्या सोर्स कोड मैनेजमेंट, ये है आपका सोर्स कोड मैनेजमेंट। नाम ही समझ गया, डेवलपर जो कोड को डेवलप करेगा वो इस प्लेस पे, तो ये एक थर्ड पार्टी सेल्फ होस्टेड और प्रोप्राइटरी होस्टेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे तुमको एक प्लेस मिलेगा जहाँ पे तुम अपना एक रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। रिपोजिटरी क्रिएट करोगे और मैं बताऊंगा आपको, ये सब अलग अलग क्लासेस होंगे इनके, और मैं उसमें आपको समझ में आएगा कि रिपोजिटरी क्या होता है। रिपोजिटरी के अंदर अपन ब्रांच क्रिएट करते हैं, ठीक है, ब्रांच क्रिएट करते हैं, ब्रांच भी क्रिएट करते हैं, तो ब्रांच क्रिएट करने का भी अलग अलग ट्रिक्स होते हैं, ठीक है। कौन सा ब्रांच तुम्हारा मास्टर होगा, कौन सा मेन ब्रांच होगा, कौन सा रिलीज ब्रांच होगा, कौन सा फीचर ब्रांच होगा, कौन सा डेवलपर ब्रांच होगा, सो एक स्ट्रेटेजी क्रिएट होता है। तो एज सुन एज क्या होता है, डेवलपर इस रिपोजिटरी के अंदर कोड पुश करता है पर्टिकुलर ब्रांच में, तो बाकी का जितना भी ऑपरेशन का काम है ना वो ऑटोमेटिक हो जाए उस। तो अब पहले क्या था कि ये दोनों काम एक डेवलपर को करना ही पड़ता था, वो पहले कोड पुश करता था, फिर उसको डिप्लॉय करता था किसी सर्वर पे और उसको ऑपरेशन बनाता था, ठीक है, उसमें टाइम बहुत ज़्यादा था, बहुत जाता था। तो फिर क्या हुआ कि लोगों ने डेवऑप्स टेक्नोलॉजी लाया, उन्होंने सोचा कि एक बंदे को स्पेशल असाइन करूँ जो सब सम सॉर्ट्स ऑफ ऑटोमेशन कोड लिखेगा, या जो कुछ भी लिखे, वट एवर दे वॉन्ट टू डू दे जस्ट डू, बट रेस्ट ऑफ द थिंग्स शुड बी ऑटोमेटेड वंस द कोड विल गेट पुश टू द सोर्स कोड मैनेजमेंट रिपोजिटरी। तो ये सारे ऑपरेशन, ये सारे स्टफ जो होते हैं, जो बंदा करता है उसको डेवऑप्स इंजीनियर कहते हैं, और ये प्रोसेस को डेवऑप्स कहते हैं, ठीक है, एज सिंपल एज डैट। फालतू का इसमें दिमाग ज़्यादा लगाना नहीं है, और अगर ज़्यादा तुमको थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए तो गूगल पे जाओ सर्च कर लो, मेरे को वो डिफिनीशन ज़रा सा भी पसंद नहीं है, क्योंकि जो लिखता है वैसा होता नहीं है, हकीकत जानना है और जैसा होता है मैं वैसा बताऊंगा तुम्हें, कि तुम्हें कोई ऐसा फील ना हो कि अरे बताया कुछ और वो कुछ और रहा है। तो अपन ने डेवॉप्स का डिफिनीशन ओवरऑल सीख लिया है, अब मैं आपको बताऊंगा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है डेवॉप्स के अंदर, ठीक है। डेवॉप्स एक प्रोसेस है, तुम बता ही दिया था मैंने, अब उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ना डेवॉप्स के अंदर वेरियस टूल्स हैं, ठीक है, टूल्स हैं और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं। अब पहले तो होता क्या है कि बहुत सारे डेवॉप्स के बंदे तुमको ऐसे मिलेंगे जो डायरेक्टली उसमें क्या बोलते हैं एमएनसी में जॉब कर रहे हैं। उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या है पता है, जो बंदा स्टार्टअप से जॉब करके आता है ना, निकलता है और डेवॉप्स टेक्नोलॉजी पे काम करता है, उनका सॉलिड हमेशा स्ट्रांग होगा, ठीक है। और जो एमएनसी में डायरेक्ट काम कर रहे हैं, तो एक्चुअली होता क्या है कि उनका ना बेस स्ट्रांग नहीं हो पाता, क्योंकि उन लोग को ना एक पर्टिकुलर फील्ड मिल जाता है डेवॉप्स के अंदर, हाँ तुम इस टूल पे काम कर रहे हो उसी पे करते रहो। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपने कैरियर में बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं,
ठीक है, एमएनसी के बंदे को, तो वो क्या बोलेंगे, मेरे को डेवऑप्स आता है, मेरे को डेवऑप्स में AWS आता है, ठीक है, मेरे को डेवऑप्स में कुबरनेटीज आता है, मेरे को डेवऑप्स में क्या बोलते हैं डॉकर आता है, सब कुछ आता है। तो जब वो ऐसे बोलते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि कुबरनेटीज आता है, मतलब कुबरनेटीज के कमांड्स आते हैं, डेवऑप्स आता है, डॉकर आता है, डॉकर के कमांड आते हैं। खैर अभी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, डॉकर कुबरनेटीज नहीं आ रहा, ठीक है, इट्स ओके, समझ लो एक टूल्स है, टूल्स आता है। लेकिन मैं फॉरमोस्ट चीज़ मैं सबको बताना चाहता हूँ और जो सीख रहे हैं, जो पर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए, कि डेवऑप्स में कुछ आए या ना आए मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमको कोई टूल्स आए या ना आए, एक चीज़ तो तुमको 100% अच्छे से आना चाहिए, एकदम पिक्चर क्लियर होना चाहिए, दिमाग में ये चीज़ सॉर्टेड होना चाहिए कि लिनक्स कैसे काम करता है, ठीक है, तुमको लिनक्स आना चाहिए। मेरे लिए जिस बंदे को लिनक्स नहीं आता उसको डेवऑप्स नहीं आता, ठीक है, हो सकता है मैं स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट्री हो, लेकिन मेरे लिए अगर जो जो बंदे को लिनक्स नहीं आता है तो वो बंदे को डेवऑप्स नहीं आता, वो डेवऑप्स इंजीनियर नहीं कहलाता मेरे लिए, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग जो आपको सीखना जरूरी है वो है लिनक्स, जब आप लिनक्स सीख जाओगे तो दूसरी चीज़ आपको सीखनी जरूरी है वो है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब बहुत लोग जो होते हैं ना मेरे जैसे, जैसे मैं पहले था, ये सेकंड वाले पॉइंट को देख के ना घबरा जाते हैं, अरे यार मेरे को कोड लिखना होगा, पता नहीं कैसे लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब दिमाग से निकाल दो, मैंने भी स्टार्ट किया था तो यही सब सोच रहा था, लेकिन सब कुछ ईजी है, मैं बताऊंगा कैसे ईजी है। तो आपको दो, आपको स्क्रिप्टिंग लिखने आना चाहिए, स्क्रिप्ट लिखने आना चाहिए बेसिकली, ठीक है। अब स्क्रिप्ट आप किसी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बैस में सेल स्क्रिप्ट लिख सकते हो, पाइथन लिख सकते हो, गो लिख सकते हो, ठीक है, पर्ल लिख सकते हो, तुमको जो समझ में आ जाए वही तुम्हारा फेवरेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होना चाहिए, कोई इसमें बाउंड्री नहीं है कि तुमको यही आना चाहिए, कुछ भी जितने भी लैंग्वेज है, तुमको जावा स्क्रिप्ट आता है तुम जावा स्क्रिप्ट में ऑटोमेट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जहां मन करता है वहां कर दो, नोट जेस आता है नोट जेस में ऑटोमेट कर दो। तो तुमको जो लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को ही आना चाहिए जो तुमको हेल्प करेगा स्क्रिप्ट लिखने में। उसके बाद अब सेक्शन बेस्ड ऑन द वर्क तुम्हारा टूल्स और सेक्शन डिवाइड होगा, ठीक है। जो फॉरमोस्ट पार्ट है डेवऑप्स का मेरे लिए वो ये दो है, ये दो नहीं आता है तो समझो कि जब तक नहीं आ रहा तब तक डेवऑप्स नहीं आ रहा है। अगर तुम वो जाके टूल्स के कमांड, बहुत लोग होते हैं जो याद कर लेते हैं और बोलते हैं कि मेरे को डेवऑप्स आ गया, तो वो बेवकूफ़ बनाते हैं खुद को और सामने वाले जिन कंपनी में काम कर रहे हैं उन लोग को, ठीक है। तो डेवऑप्स का पहला दो स्टेप्स, पहले दो जो बोलोगे सीढ़ियाँ जो इंसान चढ़ता है, तो वो पहला दो चीज़ ये तो आना चाहिए। फिर उसके अंदर, उसके बाद क्या होता है कि टूल्स होते हैं डेवऑप्स के अंदर, बहुत सारे प्री डिफाइंड क्रिएटेड टूल्स होते हैं, टूल्स इन द सेंस एप्लीकेशन होता है जो प्री क्रिएटेड है, ठीक है, उसको यूज करके आप ऑटोमेशन लिखते हो जो कि कोड को रिपोजिटरी से लेके और सर्वर पे डिप्लॉय करके वेब सर्वर, पूरे सर्वर को कन्फिगर करके वेब सर्वर स्टार्ट करता है और एप्लीकेशन एक यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उसके बेसिस पे टूल्स हैं, टूल्स को तुम डिवाइड कर सकते हो फ्यू पार्ट में, ठीक है। एक तो हो गया तुम्हारा प्लेटफॉर्म रिलेटेड टूल्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होगा प्लेटफॉर्म क्रिएट करने में, ठीक है। प्लेटफॉर्म मतलब बेस, बेस मतलब सर्वर, सर्वर मतलब जो इंस्टेंस जो मैंने अभी बताया ना, जहां पे तुम्हारे कोड को डिप्लॉय करेंगे, जहां पे वेब सर्वर इंस्टॉल होगा, उस बेस को क्रिएट करने के लिए एक टूल है, और दूसरा टूल है कोड डिप्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, कोड डिप्लॉयमेंट के लिए दूसरा टूल है। तो पहले तुमने प्लेटफॉर्म क्रिएट कर लिया, दूसरा तुमने कोड डिप्लॉयमेंट कर लिया, जब कोड डिप्लॉयमेंट कर लिया तो तीसरा टूल आ जाएगा तुम्हारा मॉनिटरिंग के लिए। अब तुम अपने प्लेटफॉर्म को कैसे मॉनिटर करोगे, तुम्हारा कोड
प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं उसको देखने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारे टूल्स। अब यहाँ पे तुम सीखो क्लाउड। क्लाउड क्या है? तो क्लाउड वो प्लेस है जहां पे प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा। ठीक है, अब बेसिक फंडा मैं ये बताऊंगा कि तुम्हारा एक कंप्यूटर भी एक क्लाउड है। अगर वो तुम जहां से भी देख रहे हो, अगर मैं तुम्हारे पीसी को मैं अपने घर से एक्सेस कर लूं तो मेरे लिए तुम्हारा पीसी क्लाउड होगा। ठीक है, तो क्लाउड कुछ नहीं है, क्लाउड एक समझ लो कि एक कंपनी है जिन्होंने बहुत सारे सर्वर, बहुत सारे पैसे खर्च करके बहुत सारा रिसोर्स उन्होंने लगाया है, जैसे हार्ड डिस्क, एसएसडी, रैम, प्रोसेसर, ठीक है, जीपीयू, ये सब उन्होंने ट्रेमेंडस अमाउंट में खरीद कर उन्होंने एक डेटा सेंटर में लगाया और फिर उसको एक पब्लिक आईपी से कनेक्ट कर दिया और तुमको एक प्लेटफॉर्म दे दिया इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड, जहाँ से तुम अपने उनके डेटा सेंटर पे तुम अपना सर्वर डिप्लॉय कर सको, सर्वर क्रिएट कर सको, फिर उस पर कोड डाल सको, अपने एप्लीकेशन को होस्ट कर सको। ठीक है, तो वो हो गया क्लाउड। उसी तरह एक क्लाउड होता है जो, तो क्लाउड को दो तरह से डिवाइड कर दिया गया है। एक होता है जो होता है ऑन प्रेम क्लाउड, मतलब ऑन प्रेम क्लाउड मतलब ऑन प्रेम डेटा सेंटर, जहाँ पे सारे एप्लीकेशंस जो है ना वो एक पर्टी वो इन हाउस है, इन हाउस एक कंपनी में ही है, वो कंपनी से बाहर नहीं है। ठीक है, और क्लाउड में क्या होता है कि क्लाउड में तुम्हारे एप्लीकेशन, तुम्हारे सर्वर सब दूसरों के डेटा सेंटर में होता है। ठीक है, दूसरे बंदे रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हैंडल करने के लिए, लेकिन ऑन प्रेम में क्या होता है, तुम्हारी कंपनी में ही सर्वर होंगे और तुम ही रिस्पॉन्सिबल होगे हैंडल करने के लिए। अब इसमें दो चीज होते हैं, एक होता क्या है, दूसरे में तुम होस्ट करते हो तो उसमें प्रॉफिट क्या है कि उनका वहां पे तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाता है मतलब तुम्हारा अगर कोई एप्लीकेशन डाउन होता है तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, क्लाउड, क्लाउड कंपनी। अगर तुम्हारे डेटा सेंटर में डाउन होता है रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, तुम। मेंटेनेंस के लिए तुमको इंजीनियर हायर करना होगा, क्लाउड टेक पे अगर होस्ट करते हो तो तुम अगर उनका सपोर्ट लेते हो तो क्लाउड वालों को वो देखना होगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है लोगों पे और क्राइटेरिया पे कि लोग कौन सा क्लाउड यूज करना चाहते हैं। तो बीइंग अ डेवऑप्स मैं ये नहीं बोलूँगा कौन सा अच्छा है कौन सा खराब है, सब ठीक है। ठीक है, क्योंकि मैं डेवऑप्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं तुम्हें ये बताना चाहूँगा कि एज अ डेवऑप्स तुमको सब कुछ आना चाहिए। सब कुछ आना चाहिए मतलब तुमको ऑन प्रेम के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, तुमको क्लाउड के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए। तो जो मेन क्लाउड टेक्नोलॉजी है वो है तुम्हारे AWS, Number 2, ठीक है, GCP, Number 3, Azure, Number 4, अलीबाबा, Number 5, डिजिटल ओशन, ठीक है, ठीक है। उसके बाद IBM का क्लाउड है, रेड हैट का क्लाउड है, बहुत सारे क्लाउड है। मेन जो है मार्केट में वो ये है। ठीक है, उसके बाद ऑन प्रेम क्लाउड में बेसिकली एक सर्वर होता है। ठीक है, एक सर्वर होता है जिसपे क्या होता है, वी सेंटर डिप्लॉय होता है। ठीक है, और या तो क्लाउड डायरेक्टर होता है, ठीक है, NSX टेक्नोलॉजी होता है। ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, सो मोस्टली मोस्टली जो वर्ल्ड में है ना अभी, अगर कोई रूल कर रहा है ऑन प्रेम टेक्नोलॉजी पे तो वो है VMware। ठीक है, ये सारे किनके टेक्नोलॉजी है, VMware के। तो
वीएमवेयर प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज होता है अभी तक मेरे को, जहाँ तक लगता है पिक्चर क्लियर हो गया होगा और टाइम अपने हो गया, आधा घंटा हो गया है। ठीक है, तो अभी तक मैं यहीं तक कंप्लीट करता हूँ, और मैंने आपको बता दिया कि आपको इन सारी चीज़ों का बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, और आपको अगर सीखना है मेरे साथ तो मैं स्टार्ट ऐसे ही करूँगा कि आपको डेवॉप्स के अंदर पहले लिनक्स और स्क्रिप्टिंग सिखाऊंगा, फिर आपको टूल्स सिखाऊंगा, फिर आपको क्लाउड सिखाऊंगा, फिर उसके बाद एक्चुअल डेवॉप्स के अंदर जब तुम इंटर करोगे इन डेप्थ, तो तुम्हारे एप्लीकेशंस लेवल पे मैं आपको सिखाऊंगा माइक्रो मोनोलिथिक एप्लीकेशन कैसे डिप्लॉय करते हैं, माइक्रो सर्विस क्या होता है, डॉकर क्या होता है, कुबरनेटीज क्या होता है, डिफरेंट एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म टूल्स लाइक टेराफॉर्म, लाइक सेफ क्या होते हैं, एंसिबल क्या होता है, जेनकिंस क्या होता है, ठीक है, पपेट क्या होता है, सॉल्ट स्टैक क्या होता है, मैं आपको सब इन सारी चीज़ों का नॉलेज दूंगा। ठीक है, मैं ये भी बताऊंगा कि ये सारे एप्लीकेशन को बिना यूज किए तुम सिर्फ स्क्रिप्ट से कैसे डिप्लॉय कर सकते हो गिट, फिर उसके बाद जैसे CI/CD में जेनकिंस का नाम सुना होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा गिटलैब होता है, गिटहब होता है, तो इन इन लोगों ने, बिट बकेट ने, इन्होंने अपना एक पाइपलाइन स्टार्ट किया है। सो फॉर एग्जाम्पल गिटहब में गिटहब एक्शन होता है, गिटलैब पाइपलाइन होता है, बिट बकेट पाइपलाइन होता है। ठीक है, तो जो CI/CD जेनकिंस पे करते हो सेम थिंग तुम उधर कर सकते हो, तो इन्होंने भी अपना प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है। तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप सब सिखाऊंगा, और ये पूरा जो वीडियो होने वाला है वो कंप्लीट हिंदी में होने वाला है, शुद्ध हिंदी में, जो इंडिया के लोग अच्छे से समझते हैं। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो ध्यान से देखना, ध्यान से समझना, और जब मैं बताऊँ उसके बाद प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं कि देख लिया हो गया फिर दूसरा देखें फिर तीसरा देखें, वैसे अगर आप चाहे 10 का वीडियो क्यों ना देख लो, आपको कुछ समझ में आना नहीं है। आप एक प्रोसेस फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप सीखो। ठीक है, और मैं 100% कंफर्म हूँ कि आप मेरे वीडियो, मेरे ये पूरे सीरीज़ देखने के बाद 200% आप कोई भी इंटरव्यू दोगे, आपका इंटरव्यू क्रैक होगा, आपको जॉब मिलेगा, और अपना कैरियर आप डेवॉप्स में अच्छे से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो बहुत बड़ा हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, और बेवकूफ़ी मत करना कि कोरोना कुछ नहीं होता, कोरोना भगवान है, ऑल दोज नॉनसेंस थिंग, तो स्टे सेफ, सेफ रहो, वीडियो देखो सीखो, और जब भी लगे कि अब तुम्हें सब कुछ आ गया तो इंटरव्यू दो, जॉब लो, और कमेंट करो कि मेरे को इस वीडियो को से कुछ प्रॉफिट मिला। ठीक है, ये वीडियो मैं बहुत कैजुअल रखने वाला हूँ, कुछ इसमें एडिटिंग और कुछ भी ऐसा नहीं करने वाला हूँ जो शो पीस लगे और जिसमें मेरा भी टाइम पास हो और मेरे को तो मेरा टाइम पास हो, जो मैं नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो ओके बाय बाय, सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को बताना और उनको भी सब्सक्राइब कराना। बाय बाय, थैंक यू।